नमस्ते, मैं डॉक्टर संजय शाह, कंसल्टेंट ट्रॉमा सर्जन एंड डायरेक्टर सिम्स ट्रॉमा सेंटर। हम सिम्स ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंटल इंजरी की सभी प्रकार की ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सीडेंटल इंजरी मीन्स रोज़ के रोज़ जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, ऊपर से नीचे काफ़ी बार गिर जाना या घर के अंदर अंदर गिर जाना, मारामारी की वजह से जो बॉडीली चोट होती है, उस प्रकार की हर एक दर्दी की संपूर्ण सारवार करने के लिए सिम्स हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर 24/7 अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास क्वालिफाइड ट्रॉमा सर्जन, क्वालिफाइड इमरजेंसी फिजिशियन एवं संपूर्ण तरीके से ट्रेन नर्सिंग पैरामेडिक स्टाफ है, जो कि इस प्रकार की दर्दी की तात्कालिक और सघन सारवार के लिए सक्षम है। सिम्स हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में हमारे पास जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसमें 15 बेड है, जिसमें अत्याधुनिक हाई एंड मॉनिटरिंग अवेलेबल है। मैं आपको गोल्डन आवर प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें चोट लगने के बाद दर्दी अगर अच्छी हॉस्पिटल में पहुँचता है प्रथम घंटे के अंदर अंदर, तो उसकी बचने के चांसेस और डिसेबिलिटी 85% तक बेहतर हो जाती है। ये प्रिंसिपल एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल्स बोलते हैं और ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स द्वारा प्रमाणित है। सिम्स ट्रॉमा सेंटर में ये प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। आजकल जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत मात्रा में बढ़ रहे हैं, उसको कम करने के लिए हमें टू व्हीलर जब चलाते हैं तो हेलमेट पहनना आवश्यक है, और फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है, और उसके साथ में ड्रिंक एंड ड्राइव हैबिट को भी अवॉइड करना चाहिए, मोबाइल का यूज़ भी अवॉइड करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की एक्सीडेंट्स कम हो सके। सिम्स हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर पश्चिम भारत का वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉमा सेंटर है, और कोई भी प्रकार की चोट की वजह से अगर दर्दी की ट्रीटमेंट संपूर्ण तरीके से करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं।